कि ट्रांसप्लांट होता क्या है, ट्रांसप्लांट से क्या पूरे बाल वापस आ जाते हैं, ट्रांसप्लांट करवाने के बाद वो बाल कितने दिन तक चलते हैं, और ट्रांसप्लांटेड बाल कलर कर सकते हैं कि नहीं, हेयर कट कर सकते हैं कि नहीं, उसमें क्या कॉस्टिंग होती है और कहाँ से होता है, ये ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके माइंड में चल रहे होंगे। आज यही डाउट आप लोगों का मैं क्लियर करूँगा इस ट्रांसप्लांट की बातों में। आप लोग को मैं बताऊँगा कि ट्रांसप्लांट होता कहाँ से है, कैसे करवाना चाहिए, कहाँ से करवाना चाहिए, और मैं उस बातों को क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं खुद ट्रांसप्लांट करवाऊँ, मेरा जर्नी कैसा रहा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आज ये पूरी बात करेंगे, कॉस्ट और सारी बात मिलाएंगे इसमें। थोड़ी लंबी रहेगी ये वीडियो, प्लीज़ देखिएगा, आप लोग को इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा, आगे चल के आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहले वीडियो स्टार्ट। तो आखिर हेयर ट्रांसप्लांट होता कैसे है और उसको हेयर ट्रांसप्लांट क्यों बोलते हैं, सबसे सिंपल और सरल भाषाओं में आपको बताना चाहूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट एक छोटी सी सर्जरी होती है जो कि बैक साइड इस जगह से निकाल के सामने लगाया जाता है, इसलिए उसको हेयर ट्रांसप्लांट बोला जाता है। यहाँ से जो बाल निकालते हैं वो पूरा एज इट इज़ वापस उसी तरह के हो जाते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोस्तों, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सिंपल सा मेथड होता है, पीछे से निकालना सामने लगाना, वो बाल जो पीछे के बाल निकालते वो परमानेंट रहते हैं, करीब 30 से 35 साल तक चलते हैं और वो बाल कभी झड़ते नहीं जो कि मेरा लगा है सामने। कुछ इस तरीके से बाल निकाले जाते हैं और वो बाल निकालते हैं छोड़ छोड़ के, और वो ग्राफ्ट जो निकलते हैं, जो जड़ निकालते हैं, ग्राफ्ट यानी जड़ कहलाता है दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूँ, जड़ कहलाता है, उस जड़ को सामने लगाया जाता है कुछ इस तरीके से, वो जड़ लगाते हैं, परमानेंट होता है वो दोस्तों। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आपको 10 दिन बाद हेयर वॉश करना पड़ता है, हेड वॉश करना पड़ता है, 10 दिन से पहले वो आपको सूखा रखना पड़ता है, और बाकी शरीर को आप नहा सकते हैं, धो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है दोस्तों। ये रही हेयर ट्रांसप्लांट की बात। हेयर ट्रांसप्लांटेड जो बाल, जैसे बोला, 30-35 साल तक टिक जाते हैं, वो झड़ते नहीं हैं, और जो कि हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल आप हेयर कट करवा सकते हैं, उसको मुड़वा सकते हैं, टकला हो सकते हैं, क्योंकि वो रूट वो जड़ में लग जाता है, वो बाल कभी झड़ते नहीं हैं। जैसे आप टकले होंगे फिर से वो बाल उग जाएंगे, ये सिंपल सा मेथड होता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सिंपल सा चीज़ क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें कोई दर्द वो कोई पेन नहीं होता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कई लोग उसको नकली समझते हैं, आर्टिफिशियल समझते हैं, वो आर्टिफिशियल नहीं होता है दोस्तों, वो परमानेंट आप ही के बाल होते हैं, क्योंकि यहाँ से निकाल के फ्रंट पे लगाया जाता है, तो वो परमानेंट ही कहलाता है और परमानेंट सॉल्यूशन होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कुछ हो जाएगा, कोई डर फैलेगा, कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, उसके लिए सिंपल सा चीज़ है। आपसे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद ऐसे मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे रेफरेंस से जिन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है जहाँ से मैंने करवाया, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जहाँ से मैंने करवाया। और जहाँ तक आते हैं हम कॉस्टिंग की बात, कॉस्टिंग ये होता है दोस्तों, एक जड़ का पैसा लगता है, उस जड़ में चाहे आपके 3 बाल हो 4 बाल हो, जड़ का पैसा लगता है दोस्तों 15 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से एक जड़ का। तो मुझे 2000 ग्राफ्ट लगे थे, 2000 जड़ लगे थे, तो 30,000 रुपये खर्चा आया था। सबको अलग अलग खर्चा आता है, जिसका 3000 ग्राफ्ट लगते हैं उसका अलग, 4000 ग्राफ्ट लगते हैं उसका अलग, उसको डॉक्टर्स देख के बताते हैं। जब आप डेट बुक करवाना चाहेंगे या फिर व्हाट्सएप पे आप कॉल करेंगे, तो आपको फ़ोटो अपने भेजने होते हैं व्हाट्सएप पे, वो आपको डॉक्टर देख के बता देंगे कि आपको कितना कॉस्ट लगेगा, आपकी पूरा टोटल क्या रहेगा। कॉस्टिंग ये रही, प्लस क्या ये होता है दोस्तों, पूना महाराष्ट्र में, आपको सिर्फ पूना स्टेशन पहुँचना है, पूना स्टेशन से आप पहुँचेंगे डायरेक्ट क्लिनिक पे, क्लिनिक पे आपका रहना खाना मेडिसिन ये सारी चीज़ें फ्री रहती हैं, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ना कोई GST ना कोई OT चार्जेस, ये रहा सिंपल से कॉस्ट। और जो कि रहा दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट की बात, हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सोल्यूशन है, मैं ये मानता हूँ, हमेशा के लिए वो बाल आपका रहते हैं, 30-35 साल एक लॉन्ग टाइम होता है, उसके बाद अगर आपके बाल झड़ते हैं तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट आप 3 से 4 बार करवा सकते हैं आपके ये पीछे के बाल से। हेयर ट्रांसप्लांट कोई नकली चीज़ें नहीं होती, ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, जिससे आपको हमेशा के लिए एक
कॉन्फिडेंस आता है, एक जो कि सर पे बाल नहीं होते, चिकनाहट होती है, वहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू बाल आ जाते हैं। और दोस्तों आता है कब तक रिजल्ट, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आप 3 महीने बाद में आपको पूरा रिजल्ट दिखते दिखते 8 से 9 महीना हो जाता है। 3 महीने कुछ इस तरीके से दिखने लगेंगे और 8वें महीने में कुछ इस तरीके से दिखने लगेंगे। जैसे हमारे मुंडन होने पर बाल बढ़ते हैं धीरे धीरे, कुछ उसी तरीके से बाल बढ़ते हैं, प्रोसेस वही होता है, सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, क्लिनिक का नंबर है, आप ज़रूर कॉल कीजिए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। ये रही छोटी सी वीडियो, अगर मुझसे कोई और टॉपिक छूट गया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर लेना, मैं कमेंट पे जवाब दूंगा, अगर नहीं तो कॉल कर लेना और मुझे बताइएगा कि और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। चलता हूँ और ऐसे वीडियो और लेके आता रहूँगा, एक्साइटिंग वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो और रिजल्ट के वीडियो, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद कैसा रिजल्ट आता है। मेरा खुद का 1 साल का रिजल्ट है, वो भी मैंने वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलता हूँ, लाइक को दबाइए और सारी नोटिफिकेशन पाइए, अपने गंजे सर पे सारे बाल वापस लाइए।